बहुत ही सोच समझ के या उनकी पार्टी का निर्णय किए होंगे कि कौन बेहतर होंगे, कैसे जो है राज्य में हम मजबूत होंगे, सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर चलेंगे, यह सब सोचते हुए राहुल गांधी जी उनको बनाए होंगे। हम इसका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि अच्छा कमेटी अच्छी बनी है कांग्रेस कमेटी का, और यह जो है मजबूती प्रदान करेगा और गठबंधन में सब मिलजुल कर चलेंगे और मजबूत करेंगे पार्टी को। गठबंधन इससे आगे बढ़ेगा, मजबूत होगा क्या मदन मोहन झा के आने से? मदन मोहन झा जी एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, हम लोगों के साथ 18 महीना काम भी साथ में किए हैं, पुराने नेता हैं और इनके परिवार में भी पहले शिक्षा मंत्री इनके पिताजी थे, इसलिए कांग्रेस के वफादार हैं और वफादारी से काम करेंगे, ईमानदारी से कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और सभी जो कमेटी में जो लोग बने हैं वो मजबूती से कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। हमारे गठबंधन में मतलब चार चांद लगेगा, उनके आने से चार चांद लगेगा महागठबंधन लगेगा। दूसरा सवाल है कि कांग्रेस ने सवर्ण कार्ड खेला है मदन मोहन झा को अध्यक्ष बनाने, एक सवर्ण कार्ड खेला है, सवर्ण की राह पर कांग्रेस जा रही है कहीं ना कहीं। देखिए कार्ड खेलना यदि कोई व्यक्ति विशेष तो किन्हीं न किन्हीं को बनाया जाएगा, तो कोई न कोई किसी जात के तो लोग होंगे ही नहीं, इसको जो है दूसरे रास्ते नहीं ले जाकर एक कांग्रेस कैसे मजबूत हो इसके लिए राहुल गांधी जी ने सोच कर बनाया होगा। न तो सवर्ण की बात है, न तो अल्पसंख्यक की बात है, न तो बैकवर्ड दलित महादलित की बात है, सभी जातियों को मिलाकर उनका कांग्रेस कमेटी का संगठन का स्वरूप जो तैयार हुआ है वो हमें लगता है कि मजबूती प्रदान करेगा। पेट्रोल डीजल के दाम आज फिर बढ़ गए, कौन सा नया नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के राजपाट में हो रहा है, यह तो रोज का दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। हम लोगों का मांग है कि इसको GST में लाया जाए, और इतना जो तेल महंगा हो रहा है इस पर क्या कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ये बताएं। कल के तारीख में नुक्कड़ सभा करते थे, आज जो आप मिनिस्टर हैं वह डांस क्या करते थे सिलेंडर और कद्दू और लकड़ी लेकर, लेकिन आज कहाँ सब बिल में छिप गए हैं, जरा उनको निकल कर बोलना चाहिए कि यह महंगाई क्यों, इतना पेट्रोल का दाम क्यों, देश में जो है डॉलर के कारण रुपया का गिरावट क्यों, इसका तो जवाब नहीं यदि देते हैं तो 2019 के चुनाव में जनता स्वतः नरेंद्र मोदी जी से जवाब ले लेंगे। सीएम नीतीश कुमार अपने लिए सीटों का फाइनल करने के लिए दिल्ली गए हैं, महागठबंधन में सीटों का फाइनल कब होगा? महागठबंधन में अंडरस्टूड है फाइनल ही फाइनल है, ये NDA वाले सोचे कि किनको कितना सीट मिलेगा ये गारंटी अभी तक उन लोगों का नहीं होगा, इसीलिए भाग दौड़ मचाए हुए नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने एक प्रेशर पॉलिटिक्स तो खेलने की कोशिश की ही है। जीतन राम मांझी जी हमारे सम्मानित नेता हैं, दलित के नेता हैं, हम लोग उनका सम्मान करते हैं, उन लोगों तो हमेशा हम लोगों के साथ रहते हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा है हम लोगों के साथ।